अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। भरतपुर संभाग मुख्यालय पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, छेड़छाड़ और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने एक नई पहल की है, जिसके तहत 2 दर्जन महिला जवान स्कूटी पर मंदिर, गर्ल्स कॉलेज और स्कूल यानी कि महिलाओं की आने वाली जगह पर तैनात रहेंगी। आए दिन महिलाओं से हो रही छेड़छाड़ की वारदातों को लेकर पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्देश्य से महिला स्क्वाड पुलिस टीम का गठन किया है। बता दें कि इस दल यूनिट में करीब 24 महिला कांस्टेबल शामिल हैं, जो कि सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक स्कूटियों पर 2-2 महिला कांस्टेबल शहर भर में गश्त करेंगी। महिला कांस्टेबल की स्कूटी में विशेष वायरलेस व लाइट लगी हुई है। यह गश्ती दल नंबर 100 में सूचना मिलने पर 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचेगी। मतलब महिला गश्ती दल बनाया गया, तो ऐसे एरिया हैं जैसे कि क्रिटिकल एरिया होते हैं जहाँ पे क्या है लड़कों के झुंड होते हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ वगैरह होती है, तो उसके लिए ये गश्ती दल बनाया है। तो हम क्या है अलग अलग एरिया बांटे गए हैं, हमें हमारी 7 टीम है, 7 स्कूटियाँ हैं, उन पर 2-2 लड़कियाँ हैं, तो उन पे क्या है हम लोग वहाँ पे गश्त करते हैं। और हमारा एरिया है जैसे ये आर्टिकल्स कॉलेज है और ये नेहरू पार्क है, बिहारी जी मंदिर है, गंगा मंदिर है, जनाना हॉस्पिटल है, तो इन जगह पे हम गश्त करते हैं जैसे कोई ऐसी वारदात ना हो। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है शहर से। जानकारी दे दे कि शहर में कई पॉइंट बनाए गए हैं, साथ ही प्रत्येक थाने पर इसकी तैनाती की जाएगी और 24 घंटे गश्त में रहेगी। ये महिलाएं कांस्टेबल लड़कियों को छेड़ने वाले युवकों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी। न्यूज डेस्क।